अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम शाहजब खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज इलेक्ट्रॉनिक, और आज हम आपको अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल बताएंगे और सॉफ्टवेयर करके हम आपको डिटेल के साथ इसमें दिखाएंगे भी कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। जिसके हम अनबॉक्सिंग करेंगे, डिटेल बताएंगे, उसका मॉडल नंबर है टाइगर आइज, फुल HD इसके ऊपर लिखा हुआ है, डॉल्बी डिजिटल प्लस है ये, और T20 रेजर इसका मॉडल है। वाईफाई इसके साथ डोंगल आती है कंपनी तरफ से। बाकी सामान इसके अंदर भी सेम है जो पिछले वाले हमने आपको टाइगर T20 पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाए थे, इसमें भी सेम सामान है। अगर किसी भाई को ये पीस यूज़ में चाहिए तो यूज़ के अंदर भी हमारे पास मिल जाएगा। तकरीबन 10 दिन इसकी लाइन निकली होगी यूज़ वाले पीस की। ये बिल्कुल फ्रेश पीस है, फ्रेश मॉडल है, ठीक है। हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं इसमें हमारे को ऑप्शन क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग में हम आपको ये पीस दिखाएंगे, बाकी डिस्प्ले के ऊपर हम आपको वो यूज़ वाला पीस दिखाएंगे। इसमें मिल जाता है आपको रिमोट इसका टाइगर का, जिसके ऊपर टाइगर की बैजिंग हुई है, टाइगर आई लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें मिल जाती है आपकी तकरीबन 1 मीटर की जो ना HDMI केबल। फिर उसके बाद इसमें मिल जाते हैं आपको 2000 बैटरी सेल AAA साइज़ के। फिर एक वाईफाई की डोंगल, मेटल बॉडी के अंदर रिसीवर है और नॉर्मल साइज़ का रिसीवर है, मिनी नहीं है ये। यहाँ आपका पावर मिल जाता है, ये चैनल अप डाउन का बटन है, यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन है इसका। पूरा प्लास्टिक कोडिंग रिसीवर है ये, इसके ऊपर प्लास्टिक कोडिंग हुई भी है। यहाँ इसमें ऑप्शन मिल जाता है आपको एंटीना इन का तार वायर, 2 अदद USB पोर्ट मिल जाती हैं, और एक HDMI केबल का ऑप्शन मिल जाता है। ऑडियो लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन इसमें है, वीडियो का ऑप्शन है, RS232 की पोर्ट है, सप्लाई बेस है, तो इसमें पावर का बटन भी है, और ये प्लग भी इसके अंदर मौजूद है। यह है टाइगर आई टी ट्वेंटी रेजर मॉडल, ठीक है। अब हम आपको इसका डिस्प्ले दिखाते हैं, ऑन ऑफ दिखाते हैं इसका, पावर सॉफ्टवेयर का बात का इसका मेन्यू दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर के पहले का मेन्यू तो इसके अंदर भी वैसा ही है जैसा लास्ट मॉडल में मैंने आपको दिखाया था। रिसीवर को रिबूट होने के बाद ये ऑप्शन आता है आपका। अच्छा, इसका रिसीवर जब जैसे हम ऑन करते हैं, ये टाइगर का ब्लैक का मेन्यू वो बूट आता है, इसमें वेलकम लिखा हुआ था, टाइगर की फ़ोटो होती है, टाइगर की साइट लिखी हुई इसके अंदर मौजूद है। इसकी हम आपको जो ना लाइन की तारीख भी दिखाएंगे, क्योंकि ये पीस यूज़ वाला है। ये इसका सॉफ्टवेयर के बाद का मेन्यू है, इसमें वाईफाई हमने कनेक्ट कर लिया। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद इसमें चेक का निशान आ जाता है, ये आ गया चेक का निशान। अब हम आपको इसके मज़ीद ऑप्शन दिखाते हैं, पहले मैं आपको इसकी लाइन दिखाता हूँ कि इसमें लाइन कितनी मौजूद है। लाइन देख सकते हैं आप, इसमें 16 नवंबर को एक्टिव हुई है और 16 फरवरी 2024 तक इसके अंदर एक्टिव है लाइन। ये इसके STP का ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर एंटीना सेटिंग है,
इसमें इन्होंने चैनल सर्च कर रखे हैं। ये लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे हम, ये बिल्कुल फ्रेश की तरह पीस मैंने कर दिया है, बिल्कुल फैक्ट्री सेट करके। ये इसका मेन्यू है, अब आप हम आपको इसकी इंस्टॉलेशन की सेटिंग बताएंगे पूरी। यहाँ इसमें टोटल अवेलेबल है इसमें 48 सेटेलाइट्स, ठीक है। यहाँ आप इसको रेड बटन से डिलीट कर सकते हैं, ब्लू बटन से सर्च कर सकते हैं, ग्रीन बटन से ऐड कर सकते हैं, येलो बटन से ब्लाइंड सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक मंथ वन मंथ का अपोलो IPTV भी मौजूद है, जो कि कंफर्म नहीं है कि वो एक्टिव करा है या नहीं करा है। ये इसका फास्ट स्क्रीन का ऑप्शन है, ये यूजुअल सेटिंग है इसकी। ये चैनल मैनेजर है, जो कि चैनल नहीं है तो इसके अंदर ओके नहीं होगा ऑप्शन। डिलीट सैटेलाइट का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। सिस्टम सेटिंग के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ आपको ऑप्शन आया था चैनल कलर सेटिंग का, रिकॉल लिस्ट का, वॉल्यूम पर चैनल और चैनल ऑटो अपडेट का, फ्रंट पैनल लाइट का, ब्लैंक की के ऊपर आप IPTV कोई भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर इसमें रिमोट में ऑप्शन होगा, OTT मोड है, P2P मोड है इसके अंदर। चैनल कलर ऑप्शन भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं, फ्रीज, ब्लैंक। ये इसमें आपको चैनल नेम अपडेट का मिल जाएगा ऑप्शन। हेलो, ओएसडी सेटिंग इसके अंदर मौजूद है, आपको मैं ओएसडी सेटिंग यहाँ पर इसको हम HDMI का रेजोल्यूशन हम चेंज कर सकते हैं। RGB HDMI कलर है इसमें मौजूद, TV सीरियल स्क्रीन फॉर्मेट है, CMXC सेटिंग भी इसके अंदर मौजूद है, पेरेंटल कंट्रोल में ऑप्शन देख सकते हैं आप, मेन्यू अलग है, इंस्टॉलेशन अलग लॉक कर सकते हो, चैनल लॉक अलग कर सकते हो, सिस्टम लॉक अलग कर सकते हो, एज रेटिंग अलग है, फैमिली मोड अलग है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है, टाइमर सेटिंग है इसमें, वीडियो सेटिंग भी इसके अंदर मौजूद है। एक्सपेंशन में आप आ जाए, USB मेन्यू, USB मैनेजर, PVR प्रो, नेटवर्क सेटिंग है इसके अंदर, मैंने आपको बताई थी जैसे 3G ऑप्शन, VPN ऑप्शन, ब्लूटूथ, फैक्ट्री अपग्रेड है, नेटवर्क एप्लीकेशन के अंदर मेनी मोर IPTV इसके अंदर मौजूद है, लेकिन जो के एप्लीकेशन मौजूद है बिल्टन नहीं है, कोई भी IPTV बिल्टन सिर्फ अपोलो होता है, अपोलो चेक करना पड़ेगा जब हम सेल इसको करेंगे, इसके अंदर अपोलो IPTV मौजूद है या नहीं है। अच्छा, इसके अंदर यूट्यूब का ऑप्शन भी, यूट्यूब भी इसमें वर्किंग है 100%। देख सकते हैं जैसे कि आप इसके अंदर YouTube भी इसमें 400% वर्किंग है। सोर्स का बटन यहाँ पे रिमोट से आप इसमें सोर्स का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन भी आप इसके सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप YouTube इसके अंदर 100% वर्किंग है, बाद रिसीवर में YouTube वर्किंग नहीं होती। इसमें TikTok एप्लीकेशन भी मौजूद है, TikTok भी इसमें वर्किंग है 100%।
एक्स्ट्रा IPTV आप इसमें एक्सट्रीम में इसमें ऐड कर सकते हैं, और डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन यहाँ पर भी इसमें मौजूद हैं। और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।